ऑयली स्कैल्प वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हमने हेयर वॉश किया सेकेंड डे फिर से बाल ऑयली हो जाते हैं, तो उसका सलूशन क्या है, सलूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम फिक्स करें ऑयली है। तो आइए बढ़ते वीडियो की तरफ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रीज़न है ह्यूमिडिटी। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का अगर वेदर ह्यूमिड होगा तो उसका स्कैल्प जो है वो ऑयली होगा और बाल भी ऑयली हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें अवॉइड करना है जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प और हेयर ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, जैसे कंटिन्यूसली बालों को पुजाना, बालों के साथ खेलना और कंटिन्यूसली कोम करना, लेकिन के बार बार कोम करते रहना, तो इससे भी ज़्यादा ऑयल स्कैल्प प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारे बाल ऑयली हो जाते हैं। तो सबसे पहला आता है, बहुत ही अच्छे से हमें हमारे स्कैल्प को वॉश करना है। ऑयली स्कैल्प वालों को क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये शैम्पू हेल्प करता है एक्सेस ऑयल को लिफ्ट करने के लिए और आपके बालों को ये ऑयल फ्री बनाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अवॉइड करना है सिलिकॉन बेस्ड हेयर प्रोडक्ट्स को, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड हेयर प्रोडक्ट्स जैसे हेयर क्रीम है, हेयर जेल है, हेयर स्प्रे है, तो वो स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी और ग्लॉसी तो बनाता है। साइड इफेक्ट ये होता है फॉर ऑयली स्कैल्प वालों को कि बालों में काफ़ी हेवीनेस लाता है, वेट लाता है। स्कैल्प ऑयली है तो वो ज़्यादा डर्टी बनाता है बालों को और हेवी बनाता है, और बाद में ये बालों में ज़्यादा ऑयल भी लाता है, तो उसके लिए आपको अवॉइड करना है सिलिकॉन बेस्ड हेयर प्रोडक्ट। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने बालों के साथ खेलना बंद कर दो, क्योंकि जितना बालों के साथ खेलोगे उतना ऑयल जो है स्कैल्प में से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रशिंग ज़्यादा बालों को ब्रश मत करो, करते रहो लाइक बालों में से फिंगर्स मत घुमाओ, स्क्रैच मत करो, उसकी वजह से भी जो ऑयल जो है स्कैल्प में से आना स्टार्ट होता है। उससे ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज आयर विनेगर, आप जानते होंगे, उसे आपको लेना है एक वन जार में, और उसमें आपको दो ढक्कन लाइक 1 लीटर में आप 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डालें, और उसके बाद में जब आप बालों को वॉश कर लेते हैं तो उसे आप वॉश कर लीजिए, बालों को एक हल्का सा रिंस कर लीजिए। सो ये हेल्प करेगा, जो ऑयल आता है उसे ये कंट्रोल करेगा। क्योंकि आप अपने हेयर कोम, हेयर ब्रशेज और हेयर टूल्स जो आप यूज़ करते हो उसे क्लीन रखो, स्पेशली हेयर ब्रशेज और हेयर कोम को क्लीन रखना ज़रूरी है। बालों में जब आप कोम करो तो बहुत ही हल्के हाथों से कोम करें। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आज आपके साथ में शेयर किए हैं फॉर ऑयली स्कैल्प वालों के लिए। स्कैल्प ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ ड्राई शैम्पू एंड बेबी पाउडर, जो हेल्प करेगा आज ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए। होम रेमेडीज़ भी हैं जो हेल्प करेंगे एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, तो आप प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए कि होम रेमेडीज़ बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आज आपके साथ में शेयर किए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास ही में एक बेल आइकन है आप उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने से आपके पास मेरे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आएंगे और आप सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।